वालेकुम। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और ये है बिलाल मस्जिद और अब हम जा रहे हैं बिलाल मार्केट। ठीक है, ये देखिए यहाँ कबूतर वगैरह, ये बिलाल मार्केट है पूरा। ठीक है, अब हम आ चुके हैं मॉल, तो ये अंडरग्राउंड पर हम खड़े हैं और यहीं से अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे अबायास हैं, ठीक है, गाउन हैं, कुछ अनस्टिच ड्रेसेस हैं, पर्स है, बहुत सारी चीज़ें आपको सब कुछ इस मॉल के अंदर मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी जब हम इस बार गए थे तो रिनोवेशन के काम चल रहे थे, तो इसलिए बहुत सारी शॉप बंद थी। तो बस मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक झलक दिखा रही हूँ इस मॉल के अंदर, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको भी बाहर की मेन मार्केट दिखाऊँगी, ठीक है, बिलाल मार्केट। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, फुल देखिएगा। और मैं बहुत एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, ठीक है, नॉलेज वाली चीज़ है, तो ज़रूर, और स्पेशली मैं कहूँगी कि लेडीज़ के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि जब आप लोग वीडियो स्किप करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर वीडियो पसंद आती है, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। एंड जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाया करें एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मालूम है मेरे को, मालूम है। अच्छा, 25 ज़्यादा है। एंड ये अरेबिक ड्रेस है, ठीक है, ये बच्चे बड़े इस तरह का आता है ये ड्रेस। तो बस हम इनाया के लिए देख रहे थे, मुझे अच्छा लगा, पसंद आया, तो बस अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो आपको वीडियो के एंड में ज़रूर पता चलेगा, या हो सकता है मैं बीच में बता दूँ। तो बस मेरे साथ बने रहिए और पूरा मार्केट घूमिए, आप भी इंजॉय करें मेरे साथ। अब हम मॉल के बाहर आके मैं आपको बाहर की मार्केट दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मेन मार्केट है, ठीक है, बिलाल मार्केट, और ये मार्केट मुझे बहुत पसंद आती है। और ये देख रहे हैं आप तमूर तैयबा, यहाँ की खजूरिया शॉप पे ज़रूर जाएं। कितना ये? 25,000। इसका कैसा? ये भी सेम? ओ, किसका? ये 35। आप लेगा कम करेगा, कोई मसला नहीं। मोहरूम कितना चाहिए? वो भी तो वैसे ही लग रहा है पूरा। ये देखिए सना मक्की है, ठीक है, और ये बहुत फ़ायदा है, ठीक है। इसके फ़ायदे जिसको नहीं पता है तो ज़रूर पढ़िएगा, जानिएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ ना करें, ठीक है, वरना इससे लूज़ मोशन भी होते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस दिन में एक बार यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, लेकिन फ़ीवर में, ठीक है, कोविड के वक्त तो लोग बहुत यूज़ कर रहे थे सऊदी में, और ये बहुत अच्छा होता है कहवा टाइप में, आप इसको पानी में बॉयल करके इसको पिए, ठीक है। और ये देखिए बस हम मार्केट घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें जहाँ नमाज लेना था, टोपी लेना था, और ये देखिए जो मैं काम की चीज़ कह रही थी ना, ये देखिए, अगर आप मदीना आते हैं तो ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है, नबी बूटी एंड मरियम बूटी। तो ये जो देखिए आप ग्रीन दिख रही है, ये है नबी बूटी, इसे दूध में पका के पिया जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और ये जो फूल देख रहे हैं, ये है मरियम बूटी, ठीक है, ये डिलीवरी के वक्त यूज़ होता है। अब अल्लाह आलम बेहतर जाने, ठीक है, हमने ऐसा सुना है काफ़ी लोग इसे लेकर जाते हैं। तो ये मस्जिद कुबा के पास भी आपको मिल जाएगा और यहाँ बिलाल मार्केट में भी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हर किसी को नहीं पता होती। और ये मैं देख रही थी कुछ स्कार्फ टाइप में, ठीक है, अपने लिए भी और इनाया के लिए भी। और अब हम दूसरी शॉप पर ये ड्रेस देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमें
थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लग रहा था, तो हमने कहा चलो आगे भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ हमें पसंद आ गया था। ठीक है, तो ये हमें मिला था कुछ 15 रियाल, वैसे तो इसका 20 रियाल फिक्स है, लेकिन क्योंकि हमने दो स्कार्फ भी लिया और ये भी, तो हमारा 25 में उन्होंने तीनों चीज़ें दे दी। 5-5 रियाल के हमारे स्कार्फ थे, मैं वो आगे आपको दिखाऊँगी, ठीक है, कि हमने क्या क्या ख़रीदा है। और यहाँ मैं इनाया के लिए वाइट स्कार्फ देख रही थी, ठीक है, क्योंकि जब हम उमरा के लिए जाते हैं तो मैं चाह रही थी कि उसके लिए भी हम कुछ वाइट स्कार्फ का, वाइट कलर का स्कार्फ देखें। ठीक है, मैंने जो अभी लिया बताया था पीछे वीडियो में, वो मैंने अपने लिए लिया था। ठीक है, मैं घर जाके इंशाल्लाह आपके साथ सब शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और उस दिन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बारिश हो रही थी, देखिए लोग प्लास्टिक वगैरह लेकर सब अपने अपने शॉप पे जो भी उनके सामान थे उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भी अल्लाह की एक रहमत है। और बड़ा हमने इंजॉय किया। और यहाँ देखिए अब हम जानमाज़ देख रहे हैं, क्योंकि मक्का मदीना जाएं और जानमाज़ ना लें, टोपी ना लें, तस्बीह ना लें, ये कैसे हो सकता है। तो बस हम देख रहे थे, मुझे ये वाली पसंद आई। और तस्बीह देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत खूबसूरत, कितनी प्यारी प्यारी हैं। यहाँ से लोग जाहिर सी बात है जब आते हैं तो अपनों के लिए, फ्रेंड्स के लिए लेकर जाते हैं उन्हें एज अ गिफ्ट देने के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह से इनाया को हमने ट्रायल कर रहे थे, ठीक है, स्कार्फ पहना के, क्योंकि इनके पास वाइट जो था वो मुझे पसंद डिज़ाइन नहीं आया, तो मैंने पिंक पहना के देखा। फिर उसके बाद अभी हम और देख रहे हैं, तो ये येल्लो वाला फाइनली हमने चूज़ किया, मुझे बहुत पसंद आया ये, ठीक है। और उसके बाद अब मैं वाइट में भी दिखाती हूँ, तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें वाइट में भी मिल गया था, ये भी मुझे बहुत पैटर्न पसंद आया, तो ये दोनों स्कार्फ हमने इनाया के लिए ले लिया। और ये हमें कुछ 5 रियाल में आई थिंक मिला था, ठीक है, 5-5 यानी 10 में 2। कैसा इसका प्राइस, कम होगा या फिक्स है? फिक्स आएगा। और अंगूठी का कितना बोले हो, 20 का? ये ग्राम का 10 रुपया भाई, ये अच्छा ग्राम वाइज है क्या? लेकिन हमें बस समझ नहीं आया, क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो बस अब हम जा नमाज एंड कुछ टोपी ये सब चीज़ें पसंद की और हम घर आ चुके हैं, तो मैं आपको बस अब दिखाने लगी हूँ 1 by 1 करके। तो देखिए कुछ हमने इस तरह से चॉकलेट लिए थे, एंड यहाँ पे चॉकलेट की वैरायटीज़ तो वैसे भी एक से बढ़कर एक होती है। और हमने अजवा लिया, ठीक है, मबरूम लिया और मजदूर लिया हमने। और इंशाल्लाह मेरी बहुत जल्द वीडियो आएगी खजूर पे भी, और ये दालचीनी, और हमने इलायची भी ली, क्योंकि यहाँ की इलायची भी बहुत खुशबूदार होती है, तो छोटी वाली इलायची ग्रीन वाली हमने ली। और उसके बाद ये देखिए हमने इस तरीके का पूरा सेट लिया जाना मास का, ठीक है, किसी को गिफ्ट देना हो तो ये अच्छा रहता है, सब कुछ इसके अंदर, टोपी तस्बीह हर चीज़ मिल जाती है। ये दूसरा पैटर्न, अगर लेडीज़ को किसी को देना तो देखिए पर्स है, पेन है, तो बहुत प्यारा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये थोड़ा एक बड़े में जाना मास हमने लिया है, तो ये सारी चीज़ें हमने ख़रीदी है। और अबायाज़ भी मैंने लिए हैं, ठीक है, ये मैं स्कार्फ की बात कर, जो मैंने अपने लिए लिया था 5 रियाल में, मुझे बहुत पसंद आया ये, इस तरह से आगे जो है स्टोन लगे हैं, तो ये अच्छा रहता कवर करने के लिए, इस तरीके से मैंने 2 लिए थे। और एक प्लेन वाइट भी लिया है मैंने, वो दूसरी जगह से, मैंने दूसरी शॉप से लिया था, और ये मैंने इनाया के लिए लिया है, ये पूरा इस तरीके से इसमें टोपी वगैरह लगी है। तो इसका फिक्स प्राइस है, ठीक है, 20 रियाल जो है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो ये फ़िक्स है, ये कम नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने स्कार्फ वगैरह भी लिया था तो उन्होंने 25 करके दे दिया था, और ये नकाब मैंने लिया था। तो बस अभी ब्लॉग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।
तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।